बाबा साहब के संविधान को हम बचा रहे हैं। अरे तुम कौन बचाते? अरे लिखा हमने, बनाया हमने, मेरे बाबा ने बनाया। अगर बाबा साहब संविधान में गरीबों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता, मेरे बहनों को पहले वोटिंग का अधिकार नहीं था संविधान लिखने से पहले, गरीबों को नहीं था, मजदूरों को नहीं था, छोटे मोटे काम करने वालों को नहीं था, सिर्फ ब्रिटिशों के जमाने में अमीर लोगों को वोटिंग का अधिकार था। जो इनकम टैक्स देते हैं उसको बाद में पढ़ोगे, संविधान में यह पहला ऐसा प्राविधान नहीं था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने स्त्री और पुरुष को सरिसमान अधिकार दिया। एक वोट उसकी एक ही कीमत और सबको बराबर का हक, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के ऊपर लिख के दिया। तब से लोग आपके घर को पहुंचने लगे। 1950 के बाद सभी लोग तुम्हारा घर घर पहुंचकर वोट मांगने लगे। फिर आप याद करो, 65 साल पहले आपके घर को कोई वोट मांगने आता था? सच बोलो, कोई नहीं आता था। कोई आपको नहीं कहता था अरे भाई तुम हमारे तरफ से कॉर्पोरेटर बनो। कोई नहीं कहता था हमारे तरफ से तुम जिला पंचायत अध्यक्ष बनो। कोई महिला के पास जाकर माताजी तुम ठहरो, हम मदद करते हैं, तुम जिला पंचायत मेंबर बनो। कोई कहा इसके पीछे? आप तो अनुभवी है इधर के लोग, कोई भी आपके दरवाजे को नहीं आना आते थे, कोई आपका दरवाजा खटखटा नहीं था। लेकिन ये अधिकार आपको जो मिला आजादी मिलने के बाद, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने सब मिलके जब देश आजाद किए, उसी के साथ देश के संविधान बने का अधिकार जब बाबा साहब अंबेडकर को दिया, और ये जो लोकतंत्र के रूप में हमारा राज्य उभरा, तब से आपके पास सब लोग आने को शुरू हो गए। ये याद रखो, हमारे नए जितने भी नौजवान है उनको मालूम नहीं किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया।